ऑलराइट गाइस, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका प्यारा मस्त, मैं आ गया हूँ एक और रिएक्शन वीडियो के साथ वापस। गाइस, इस वीडियो में हम पहली बार रिएक्शन करने वाले हैं इरफान हैदर के नोहों पर। इरफान हैदर भी बहुत बेहतरीन नोहा खान हैं। आप लोग पहली बार सुन रहे होंगे, बट नहीं, आप लोग सुने होंगे ऑलरेडी, बट रिएक्शन पहली बार देख रहे होंगे मेरा। ओके, बट मैं भी बहुत पहले से सुनता हूँ इनको, बहुत ज़बरदस्त नोहा खान है। तो इनका इस साल का दूसरा नोहा है अम्मा या बाबा, बाबा याम, इसका प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं। अम्मा ए बाबा याम कुजास्त, अम्मा ए बाबा याम कुजास्त। ओके, ये अरबिक में, उर्दू में भी लिखा हुआ है, फारसी नोहा है ये, उर्दू और फारसी नोहा है इरफान हैदर का 2021 का। कल ही रिलीज हुआ था ये। तो चलिए बढ़ते हैं रिएक्शन वीडियो की तरफ, बट उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का, जाके फॉलो कर दीजिए, वहाँ पे अपन कनेक्टेड रह सकते हो। ओके, सो बगैर टाइम के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, लेट्स गो। रुखसारों पे जालिम से तमाचे खाए, आग दामन में लगी छिन गए, दुर भी आए। आपको मेरी कसम है, ये बताए मुझको ऐसे हो बाबायम कुछ औस्त, अम्मे बाबायम कुछ औस्त, दोख्तरे शाहे शहीदों ने तड़प कर ये कहा, छिन गई सर से रिदा, खैमों में कुछ भी ना रहा। बाबैला ऐसे आलम में अपने बाबा को ढूंढूं मैं कहा, शिद्दते गम से ना मर जाऊं, सारे दश्ते बलाऊं, हर तरफ लाशे ही लाशे है, कहां जाऊं भला। वो जो सोई ना कभी बाबा के सीने के सिवा, उसको एक खाक के बिस्तर पे भी सोने ना दिया। ताजियानों से जगाते हैं सितमकार यहाँ, अम्मे बाबा यम खुजा,
हाय बाबा ने बड़े नाजों से पाला है मुझे, और यहाँ शिमर ने दुर्रों से भी मारा है मुझे। अपने बाबा को दिखाऊंगी ये जख्मों के निशान। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। मुझसे क्यों रूट गए बाबा, थी क्या मेरी खता, काश हो जाती मैं असगर की तरह उन पे फिदा। रो दिए ले हरम सुन के ये बच्ची का बयान। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। आई जब जारा मोहर्रम की साहर वाउर बता, काफिला आले मोहम्मद का सुए शाम चला। अबैला एक शहजादी थी रो के जो करती थी फुगा। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। अबले पाँव में थे और गले में थी रसन, कितनी लाचार थी परदेश में अकबर की बहन। कैद खाने में भी रहती थी यूं ही नहा कुना। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। हाय सजाद ने आए अख्तरो इरफाने अजा, अपनी हमशीर को दफनाते हुए दिए सदा। अबैला खून कानों से सकीना के अभी तक है रवा। अम्मे बाबायम को जा, 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 अम्मे बाबायम को जा। ऑल राइट, ये था इरफान हैदर का सेकेंड नोहा इस साल का। इसे बेसिकली बीवी सकीना सलामुल्लाह के मसायब हैं कि जब खाफिला जो सुरावा होता है, जब खैमे जल जाते हैं 10 मुहर्रम की रात को, यानी कि शाम गरीबा को, आशूरा की जो शाम होती है मगरिब के बाद, उसे शाम गरीबा कहते हैं। क्योंकि कोई भी नहीं बचा था यार मर्दान से, मतलब जेंट्स में उनके घर में कोई भी नहीं बचा था सिवाय सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के, यानी हमारे चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के सिवा कोई भी नहीं बचा था, जो कि बीमार थे, जिन्हें बीमार करबला भी जाना जाता है, जिनके वसीले से दुआएं मांगते हैं लोग बीमारों के लिए, क्योंकि उनके अलावा कोई भी नहीं बचा था, इसलिए शाम गरीबा कहते हैं। सो गाइस, वो टाइम पे जब खैमे जलते हैं और पूरा मतलब शिमर तमाचे मारता है, कानों से बालियां छीनता है बीबी सकीना के, जो कि सिर्फ 3 साढ़े 3 बरस के 4 साल के थे यार,
उनके कान में से जब बालियां खींचता है शिमर खुदा लानत करे उस पर, जब बालियां छीनता है तमाचे मारता है उन्हें, तो वो पुकारती है अपने चचा को, पुकारती है बाबा चचा आप कहाँ हो। उसी उसी पर बेस्ड, जब वो बाबा को पुकारती है वो उसी पर बेस्ड, वो बाबा जान नोहा था लास्ट ईयर फरहान अली वाले इसका, और इस साल अभी जो नोहा इसमें जिसके इस नोहे में जो बात हुई है उसमें ये है कि बीबी सकीना अपनी माँ से पूछती है। हाँ गाइस सॉरी, स्टार्टिंग में वीडियो की मुझे इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं पता था, बट अभी पता चल गया है कि इसका ऐसा है क्या। अब मैं बाबायम कुजस यानी कि अम्मा माँ, वो अपनी माँ से पूछ रही है कि ए माँ बाबा कहाँ है। सो बेसिकली यही है इसका टाइटल, इसकी टाइटल लाइन यही है इस नोहे की, उसके टाइटल भी यही है मैं बाबायम कुजस। बहुत ज़बरदस्त टाइटल, और जो बीच में इसके जो इफेक्ट डाला था कि वावेला ऐसी इस तरह, जब वावेला बोल के जब लाइन आती उसके बाद या हुसैन बोलकर एक इफेक्ट डाला गया, बहुत पसंद आया मुझे, लिटरली बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट था वो उसमें। मतलब हर एक लाइन के बाद जब आधा पैराग्राफ हो जाता, आधा स्टैंजा हो जाता इसका लाइन का, और एक बन का जब आधा आधा पोर्शन ख़त्म होता तो जब ये आता कि वावेला बोल के फिर या हुसैन वाला इफेक्ट आता, बहुत ज़बरदस्त इफेक्ट था वो। और उसमें बीवी सकीना अपने बाबा से पूछ रही कि क्या बाबा आप मुझसे खफा हैं, काश मैं भी आप पर अली असगर अलैहिस्सलाम यानी कि जो कि उनके छोटे भाई थे 6 महीने के, उनकी तरह मैं आप पर फिदा हो जाती, बहुत अच्छा रहता अगर मैं उनके उधर आपके ऊपर फिदा हो जाती। वो अपने दिल की कैफियत बयान कर रही है। इस नोवे के स्टार्टिंग में इरफान हैदर लोगों पब्लिक से रेफर होकर कहते हैं और पूछते हैं कि छोटी बच्ची 4 साल बच्ची के कानों से बालियां छीन लिए गए, ऐसा लिटरली कान उतारे नहीं गए थे यार, तुम लोग सोचो 3 साढ़े 3 साल की लड़की के कान से बालियां खींच लिए गए थे बगैर उतारे, यानी कि वैसे ही पकड़ कर कान से बालियां खींचना, यार कितना दर्द भरा होगा। ऊपर से उनकी माँ उनको देख रही होगी, उनके भूपी उनको देख रही थी क्या, उनके कान से बालियां खींच रहे, उनकी तकलीफ सोचो यार तुम खाली। वो जो है सो पब्लिक से रिफर होकर पूछते हैं कि उनके कानों से बालियां खींच ली गए, उनको तमाचे लगे गए, क्या यही होता है यतीमा से सलूक, ऐसे ही किया जाता है क्या। इस तरह वो पब्लिक से रिफर होकर पूछते हैं, बहुत ज़बरदस्त मैसेज था। और लास्ट में वीडियो की एंडिंग में, नोहे की एंडिंग में, जब एक बंदा जिसमें कहते हैं कि जब सैयद सज्जाद अहसन यानी कि जो सकी बीवी सकीना के भाई थे, बड़े भाई थे और इमाम हुसैन के बेटे थे, सबसे बड़े बेटे थे, उन्होंने जब बीवी सकीना को दफन करते हैं तो उस टाइम बोलते हैं कि कानों से अभी तक सकीना के कानों से अभी तक खून रवा है, ये कहते हैं। और कहते हैं कि अम्मे बाबा एम कुजस्त, और बोलते हैं कि अम्मा बाबा कहाँ है। बहुत ज़्यादा दर्द भरा नोहा था ये भी कहना पड़ेगा, मैं पहली बार सुना मैं अभी, मतलब पहली बार रिएक्शन कर रहा हूँ इरफान हैदर के नोहे पर, बट बहुत ज़बरदस्त नोहा था, बहुत बेहतरीन कोरस कॉम्पोजिशन एवरीथिंग वाज ग्रेट। ओके सो गाइज, बस इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक दैट बेल नोटिफिकेशन टू बी नोटिफाइड फ्रॉम दी एवरी अपडेट फ्रॉम माय चैनल। कमेंट बिलो में कौन से वीडियोस पर और नोहों पर रिएक्ट करना, जैसे मैं बोला इससे पहले फिर वही बोल रहा हूँ कि इस साल के नोए हो जाने के बाद मैं उस उन उन रिक्वेस्ट पर रिएक्शन फिर से ज़रूर करूँगा उन पर रिएक्शन। ओके लिंक डिस्क्रिप्शन में है मेरे इंस्टाग्राम की, जाकर प्लीज़ फॉलो कर लो आप लोग, वहाँ पर हम लोग कनेक्टेड रह सकते हैं, आप लोग हम बात करेंगे। ओके जो भी नया नोहा आएगा मैं वहाँ पे न्यूज़, जो भी नया नोहा आने वाला है या फिर नया मेरा रिएक्शन आने वाला है या फिर जो आ चुका है उसकी न्यूज़ वहाँ पर डे टू डे लाइफ अपलोड करता रहूँगा, पोस्ट करता रहूँगा। तो जाकर जल्दी फॉलो कर लीजिए आप लोग, D_maskman1 ये टाइप कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर क्लिक करके आप लोग फॉलो कर सकते हैं, जाइए जैसे फॉलो करिए। मिलते हैं ऐसे किसी और रिएक्शन वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए। खून कानों से सकीना के अभी तक है रवा।